हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की बजट स्पेशल को लेकर। उत्तराखंड में भर्ती के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर सीएम धामी ने बेरोजगारों को लगभग यूकेपीएससी को 133 करोड़ का बजट यहाँ प्रस्तुत किया है। इस पर लगभग लगभग 20,000 भर्तियाँ होनी है। इसको लेकर यहाँ पर क्या कहा गया, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, धामी सरकार ने कल यहाँ पर बजट प्रस्तुत कर लिया है। इसमें यहाँ पर युवाओं पर जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की बात कही है। इसमें यहाँ पर नई सोलर पॉलिसी से रोजगार देने की बात कही गई है और राज्य की ट्रेनिंग प्लेसमेंट का केंद्र निर्माण करने की बात कही गई है और उद्यमिता कौशल को बढ़ाने के लिए यहाँ भी ये भी कहा गया। साथ ही यहाँ पर ये देखिए मेन पॉइंट आपके लिए ये है कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में तेजी लाने को 133 करोड़, तो यहाँ पर सरकारी नौकरी में तेजी लाने को लेकर 133 करोड़ यहाँ पर जो है जारी किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि सरकारी विभागों में खाली पदों को रिक्त पद जो भरते हैं भरने वाले हैं उनकी प्रक्रिया जो है तेजी आए, इसके लिए यहाँ पर जो है भी बजट यहाँ पर इंतजाम किया गया है। इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बजट में 133.53 करोड़ का जो है प्रावधान किया है और बजट में जो है इस वित्तीय प्रावधान से जो भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। देख सकते हैं कि दोस्तों उत्तराखंड में भर्ती में जो है तेजी लाने को लेकर लगभग लगभग 20,000 पद यहाँ पर जो है सीएम ने ऐलान किए थे। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया चालू है और लगभग 7 से 8 हज़ार भर्तियां जो आपके यहाँ पर यूकेपीएससी से यूकेपीएससी भेजे गए हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया चालू है। टोटल 20,000 भर्ती की बात यहाँ पर कही थी, तो उन पर जो है भर्ती में तेजी आए इसके लिए यहाँ पर जो है 133 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर जो प्रस्ताव किए गए हैं। इसमें बजट यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दिया गया है ताकि भर्तियों में जो है तेजी आए, कोई भी रुकावट ना आए। इसके लेकर यहाँ पर 133 करोड़ का यहाँ पर जो है बजट पास किया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को यहाँ पर दिया गया है कल जो बजट प्रस्ताव किया गया था उसमें, ठीक है। बाकी यहाँ पर कौशल वाले विकास इसको लेकर बढ़ावा दिया है, इसमें 7 करोड़ के करीब दिया है और साथ में यहाँ पर जो राष्ट्रीय ट्रेनिंग प्लेसमेंट है इसके लिए यहाँ पर जो है कुछ दिए गए हैं और साथ में जो है नई जो सोलर पॉलिसी है इसमें भी रोजगार को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी करे हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और 1,715 करोड़ रुपये का जो है बजट प्रस्ताव यहाँ पर किया गया था कल, और इस बार जो है बजट में स्वरोजगार के लिए भी यहाँ पर कई चीज़ें जो है प्लेसमेंट किए गए हैं जिसमें यहाँ पर रोजगार को देने की बात कही गई है सीएम धामी के द्वारा।